संगठित होने के लिए मैं बुला रहा हूँ 18 नवंबर और 19 नवंबर को दिल्ली में आए। यदि किसके पास कोई रास्ता है तो वो बताए, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि संगठित होने का रास्ता क्या है। अरे संगठित हो जाओ कैसे, ये कोई नहीं बताता, और कहने वाले ही संगठित नहीं होते। समस्या हमारे दलित समाज में यहाँ आई हुई है। तो मेरा उन लोगों से अनुरोध है कि चिल्लाने से बात नहीं बनेगी, किसी के ऊपर दोष देने से बात नहीं बनेगी, किसी को नीचा दिखाने से बात नहीं बनेगी। यहाँ तो बैठ करके, दिल्ली में बैठ के या लखनऊ में बैठ करके कौन से आंदोलन या कौन से रूपरेखा बना रही है, हमें भी तो समझाए। यदि कोई ऐसी बातें लेके बैठेंगी और काम करेंगी तो हम लोग तो सब साथ काम करने को तैयार हैं। 80 करोड़ आदमियों को राशन देना पड़ रहा 5 किलो, ये कहता हमारा देश इकोनॉमी वहाँ पहुँच गया, तो इस तरह की बातें प्रधानमंत्री को बोलना शोभा नहीं देता। 5 किलो राशन इसलिए रखा है कि ये लोग निठल्ले हो जाएं, कोई काम ना करें, हमारा नाम दिल लेते रहें और हमारी पार्टी को वोट देते, राज हम करें और टुकड़ों पे ये पलें। अपना जस्टिस टीवी लेकर के बहुत मेहनत कर रहे हैं, मुझे इसकी खुशी है, और मैं चाहता हूं कि आपका ये काम बहुत अच्छी तरह से फैले, क्योंकि समाज के कम ही आदमी हैं जो निस्वार्थ भावना से समाज के विकास के लिए काम करते हैं। इसी संबंध में आज आपने मेरे को अपना कुछ कहने के लिए कहा है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं विकास जी, आप सब जगह भाषण सुनते हैं और सारी वीडियो बनाते हैं, सारे लोगों की वीडियो देखते हैं, सब कहते हैं संगठित हो जाओ, संगठित हो जाओ। अरे संगठित हो जाओ कैसे, ये कोई नहीं बताता, और कहने वाले ही संगठित नहीं होते। समस्या हमारे दलित समाज में यहाँ आई हुई है। मेरा अनुरोध ये है कि जो लोगों के दिल में दर्द है, बाबा साहब के जो अनुयायी हैं, भगवान बुद्ध के मानने वाले हैं, या अन्य किसी को भी जो भी मानते हैं, यदि वो हमारे दलित पिछड़े समाज से हैं, तो मेरा उन लोगों से अनुरोध है कि चिल्लाने से बात नहीं बनेगी, किसी के ऊपर दोष देने से बात नहीं बनेगी, किसी को नीचा दिखाने से बात नहीं बनेगी, किसी के साथ यदि बहसों बहसी करके और सारा दिन टाइम जाया ऐसे ही कर देंगे, इससे बात नहीं बनेगी। बात बनेगी एक दूसरे का सहयोग करने से, उसका सहयोग लेने से, एक दूसरे का मान सम्मान करने से। उस यदि आप उसका किसी का मान सम्मान करोगे तो आपका भी सम्मान होगा, यदि आप किसी का मान सम्मान नहीं करोगे कोई आपका सम्मान करने वाला नहीं है। कहीं आपका इशारा आकाश आनंद जी की तरफ तो नहीं है, जय भगवान जी? नहीं, मेरा वो तो अभी बच्चा है, मेरा तो उनके बुआ से, दूसरों से सबसे अलग काम है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज इस समय इस तरह बुरी तरह भटका हुआ है जिसका कोई भी देखभाल करने वाला नहीं है। आप बार बार मेरे को बहन जी के बारे में पूछते हैं, बहन जी घर से निकले तो बहन जी के लिए तो सब लोग पल के बिछाए बैठे हैं, लेकिन बहन जी घर से निकले तो, यदि बहन जी घर से निकल करके देश में घूमे, बताए इनकी आवाज़ को, इनकी मध्य प्रदेश जाम किया है अभी। अरे मध्य प्रदेश जाम किया होगा, जाम करने से ही नहीं बात बनेगी ना लोगों से के पास। तेलंगाना में बहन जी जा रही है, तेलंगाना में अभी जबरदस्त रैली प्रवीण जी की हुई है और बहन जी ने वहाँ संबोधित भी किया है। काफी अरसे से प्रवीण जी वहाँ काम कर रहे हैं तेलंगाना में। तो आप लाए हो रिकॉर्डिंग करके, कहीं गए हो आप, या आपने सिर्फ वीडियो देख ली और बता दिया कि भाई ये कुछ है? क्या बोली जरा बताएं तो। यहाँ तो बैठ करके, दिल्ली में बैठ के या लखनऊ में बैठ करके कौन से आंदोलन या कौन से रूपरेखा बना रही है, हमें भी तो समझाए। यदि कोई ऐसी बातें लेके बैठेंगी और काम करेंगी तो हम लोग तो सब साथ काम करने को तैयार हैं, क्योंकि समाज की वो ही
एक हमारी महिला है, मेरी तो मेरे लिए तो खैर मेरी छोटी बहन की तरह से हमेशा रही है, और उसे एक दिन नहीं सालों साल रही है, और जब रही है जब कुछ भी नहीं थी तब से लेके मैंने ऊपर तक जो उठा वो उठाया, इन बातों को छोड़ो। खैर आप ये देखिए आज की जो समस्याएं हैं, आज अभी आपके सामने देश के जो बुरे हाल हैं उन सबको देख करके, दलितों का नुकसान कितना हो रहा है, पिछड़ों का कितना हो रहा, गरीबों का कितना हो रहा, हक किसान का कितना हो रहा, सभी लोग बहुत त्रस्त है, और सभी लोगों ने मिल करके पार्टियां, सारी पार्टियां त्रस्त हैं, सभी ने मिल करके प्रोग्राम बनाया कि भाई हमें एक सबको संगठित होना चाहिए, क्योंकि मोदी की जो चाल है और जो उसके कार्यक्रम है उसका तो अब वो तो कहता है कि भ्रष्टाचार का काम नहीं, सारे भ्रष्टाचारियों को वो अपने यहाँ फटाफट बुलाता है लेता है। अब कोई आदमी ये कहे कि भाई मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूँ, अरे यदि मैं कहूँ कि मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूँ और सारे भ्रष्टाचारियों को और सारे रेपिस्ट को और सारे गैंग वालों को मैं अपने पास यहाँ बैठाता हूँ मिलाता हूँ, तो मैं ये कैसे कह दूँगा कि भाई मैं भ्रष्ट नहीं हूँ, मैं गैंग रेपी नहीं हूँ, जब मेरे सारे संबंध वाले सारे मिलने वाले ही सब गंदे लोग होंगे तो मैं उनमें पवित्र कैसे बन सकता हूँ। मुझे तो उसी माहौल में उसी के साथ रहना है। तो उसके ऊपर जो भी लांछन लगा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर, वो लांछन लगाना बेकार है, वो उन्हीं गैंग का आदमी है, उन्हीं लोगों के साथ उसका उठना बैठना है, उन्हीं लोगों को डरा के धमका के ले आता है, जो इस देश में सबसे ज़्यादा बदनाम आदमी है वो सब वो अपने यहाँ लेता है, इसलिए वो उसको हमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए कि ये आदमी ठीक नहीं है, इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा और क्या बोलना उसके बारे में, हम लोग को सतर्क होकर के जनता में बता देना चाहिए कि ये आदमी किसी भी तरह से ना गरीबों के हित का है और ना ये किसानों के हित का है, ना ये दलितों के हित का है, ना और बाकी जो अब ये अभी मैं भाषण सुन रहा कि हमारा देश यहाँ पहुँच गया वहाँ पहुँच गया, ये क्या 80 करोड़ आदमियों को राशन देना पड़ रहा है 5 किलो, ये कहता हमारा देश इकोनॉमी वहाँ पहुँच गया, तो इस तरह की बातें प्रधानमंत्री को बोलना शोभा नहीं देता। एक तरफ तुम 5 किलो अनाज दे रहे हो, 4 किलो अनाज दे रहे हो महीने का, एक तरफ तुम कह रहे हो कि हमारा देश वहाँ पहुँच गया, तो इनको भिखारी क्यों बना रखा फिर। यदि आपके पास सारा देश बहुत बढ़िया अर्थव्यवस्था सारा सब ठीक चल रहा है तो ये 5 किलो अनाज किस बात का दे रहे हो, इन्हें भिखारी है क्या ये, इनको तब दे रहे हो आप जब पता है कि इनके पास कोई रोजगार धंधा नहीं है, बेरोजगार हैं, खाने पीने की लाले पड़े हुए हैं, इसलिए इनको 5 किलो अनाज दे रहे हो, तभी इनको आपने रखा। या तो ये कहिए या ये कहिए कि भाई हमने इन लोगों को 5 किलो राशन इसलिए रखा है कि ये लोग ठल्ले हो जाएं, कोई काम ना करें, हमारा नाम दे लेते रहें और हमारी पार्टी को वोट देते रहें, राज हम करें और टुकड़ों पर ये पलें, तो ये बात कहो, ये भी बात वो नहीं कहने। खैर चलो वो उनकी बात है, हम लोगों को जो मेन हमारा फोकस है, हमारा मेन फोकस है अपने समाज से, दलित समाज की जो बुरा, मेरा जगवान जी वही है कि संगठित किस तरीके से हो, क्योंकि हमारी चर्चा का विषय भी वही था कि संगठित आकर किस तरीके से हो। देखिए ये उन आदमी को सोचना चाहिए जो बोलते तो हैं संगठित हो, पर वे ये नहीं बताते संगठित कैसे हो। अरे भाई हमने संगठित होने के लिए भीम संसद का सत्र बुलाया था, हमने कहा चलो भाई आ जाओ, उसमें का ना छोटा होगा ना बड़ा होगा, सभी बराबर होंगे, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे उनके संगठन हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो उनके संगठन हो, चाहे समाज की सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो वो उसका भी हमने कहा था, चाहे एजुकेशन वालों की संस्थाएँ, किसी की भी किसी तरह की भी सोशल एक्टिविटीज और समाज के लिए काम कर रहे हैं उन लोगों को संगठित होने के लिए मैं बुला रहा हूँ 18 नवंबर और 19 नवंबर को दिल्ली में आए। और कोई आदमी यदि इसके अलावा किसी के पास कोई रास्ता है, यदि किसी के पास कोई रास्ता है तो वो बताए, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि संगठित होने का रास्ता क्या है। बोलने का रास्ता तो सबके पास है, संगठित हो जाइए। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि बाबा साहब की आइडियोलॉजी मानने वाले तमाम लोग हैं और बाबा साहब का जो स्लोगन है शिक्षित बनो संगठित रहो संघर्ष करो, ये 3 स्लोगन है, संघर्ष भी इंसान कर रहा है, शिक्षित भी लगातार हो रहा है लेकिन संगठित नहीं हो रहा है। अभी हाल ही में एक बयान आकाश आनंद जी का वायरल हो रहा है
उनसे पत्रकार पूछता है कि भाई आप भीमारवी को जानते हैं, भीमारवी साहब को कितना खतरा है? वो कहते हैं कौन भीमारवी, कौन भीमारवी, मैं किसी भीमारवी को नहीं जानता, ऐसे छोटे मोटे संगठन है। तो अरे इन बातों का इसमें लाने की क्या जरूरत है? आप यहाँ ये वो तो ऐसे ही कहेंगे, उनका तो वो पार्टी बना के उनको जब छोड़ दिया फिर वही बात को लेके आगे। आप लोग बात करो तो वो करो ना जिसके ऊपर हम लोग बात करने के लिए बैठे। आकाश आनंद जाए भाड़ में, हमें क्या लेना है? आकाश आनंद पहले काम करे मार्केट में, दिखाए अपनी ताकत तक भाई मैं क्या हूँ। अभी तो उसको काखा का भी नहीं पता समाज का, अभी मार्केट में उतारा वो तो उसकी बुआ है महारानी, तो इस वजह से उसने उतार दिया तो वो बन गया। लोग ऐसे अंधे नहीं है, और कहीं होंगे ऐसे अंधे, दलित समाज में नहीं है। दलित समाज में ऐसे अंधे नहीं है कि जो आंखें बंद करके आकाश आनंद को एक्सेप्ट कर ले। एक्सेप्ट करेंगे पहले वो उसकी बुआ तो काम करे, मायावती तो रोड पर आए काम तो करे, वो दिखाई तो वो घर में बैठी रहती है, वो लोगों से मिलते नहीं। दुनिया का ऐसा कोई और संगठन है जिसका कोई भी अध्यक्ष होकर के पब्लिक से ना मिलता हो?